नमस्कार, आप लोग का फानी में स्वागत है। यहाँ पर देखेंगे इकोनॉमी का पार्ट 3, जिसमें आपके 500 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बाइलिंगुअल आपके क्वेश्चन सभी रहेंगे, जिसमें आपके 50 क्वेश्चन रहते हैं। इससे पहले कि आपने दो पार्ट अगर नहीं देखे हैं तो उसको जाके जरूर देखें। इसका PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ पर जरूर जुड़ें ताकि आपको इसका PDF मिल जाए। शुरू करेंगे और देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वन बाई वन करके। पहला क्वेश्चन रहा, दाने के ज्वार की बीज दर प्रति हेक्टेयर है, प्रति सरगम सीड रेट पर हेक्टेयर फॉर दी गेन, तो कितनी होती है यहाँ पर। राइट आंसर की अगर बात की जाएगी तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात की जाए तो क्या होगा, 20 से 25 केजी पर हेक्टेयर होती है, याद रखिएगा 20 से 25 केजी पर हेक्टेयर। नेक्स्ट वन, सबसे अधिक सूखा सहनशील फसल है, इज द मोस्ट ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप। यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात की जाए, जो मिलेट होता है यानी जो बाजरा होता है, वो सबसे अधिक सूखा सहनशील होता है, यानी ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैरायटी ऑफ काबली ग्राम, निम्न में कौन सी काबली ग्राम की किस्म नहीं है, यानी काबली चना की किस्म नहीं है। यहाँ पे राइट आंसर की बात की जाए तो कौन, इसमें देखिए K4 भी होती है, K5 भी होती है, प्रगति भी होती है, जबकि सद्भावना यहाँ पर इसकी प्रजाति आपकी नहीं है। तो आपको कमेंट करके बताना कि सद्भावना किसकी प्रजाति है। नेक्स्ट वन, मूंगफली में प्रोटीन की मात्रा है, पीनट कंटेंट प्रोटीन कंटेंट। तो यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात की जाए तो इसमें जो है कितनी मात्रा होती है, तो 25% होती है, याद रखिएगा 25%, यानी बी ऑप्शन रेड ऑप्शन। नेक्स्ट वन, गार्डन व सूर्या किस फसल की उन्नतशील किस्म है, गार्डन एंड सूर्या आर दी कल्टीवर्स ऑफ द विच क्रॉप। तो ये राइट आंसर किसकी बात की जाए तो यहाँ पे जो है सनफ्लावर के, सूरजमुखी के हैं, याद रखिएगा सूरजमुखी। नेक्स्ट वन, कपास के सबसे अधिक उपज देने वाली किस्म है, विच इज द हाईएस्ट यील्डिंग वैरायटी ऑफ कॉटन। यहाँ पे कॉटन की अगर राइट आंसर की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, संकर 4 हाइब्रिड 4 यहाँ पे राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट वन, कॉटन इज द मोस्ट ग्रो एरिया इन इंडिया, भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल में उगाए जाने वाली कपास है, तो उसका क्या नाम हो जाएगा। देखिए यहाँ पे साइंटिफिक नेम की बात की जाए तो गोसिफियम हिरसूटिवम कहा जाता है, याद रखिएगा फर्स्ट ऑप्शन ही दी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, गन्ना की फसल में लगने वाला तना बेधक कीट के जैविक नियंत्रण हेतु प्रयोग किया जाता है, स्टेम बोरर इन द शुगर केन क्रॉप इज यूज्ड फॉर बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट। तो यहाँ पे लगने वाले बेधक कीट के जैविक नियंत्रण हेतु प्रयोग किया, किसका प्रयोग किया जाता है, इसके राइट आंसर की अगर बात की जाए तो किसका प्रयोग किया जाता है, ट्राइकोग्रामा चिरोनिस का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट वन, 9, ओरोबंकी किस फसल का जड़ परजीवी हानिकारक पौधा है, ओरोबंकी इज दी रूट पैरासिटिक प्लांट ऑफ विच क्रॉप, तो किसका होता है, ये तंबाकू का था, याद रखिएगा टोबैको का। नेक्स्ट वन, निम्न में से कौन सा तंबाकू की फसल से संबंधित नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू टोबैको क्रॉप। देखिए डिस्करिंग भी होता है, क्यूरिंग भी होता है, पियर सिंह भी होता है, जबकि रेटिंग यहाँ पर तंबाकू से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट वन, 11, डिस्क फॉर में डिस्क कोण होता है, डज डिस्क फॉर हैव अ डिस्क एंगल, तो कितना होता है, 47 से 49 डिग्री होता है, याद रखिए 49 से 49 डिग्री का एंगल बनता है। नेक्स्ट वन, अनावश्यक पादप पोषक तत्व है, द अननेसेसरी प्लांट न्यूट्रिएंट इज। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात की जाए, यहाँ पे अननेसेसरी में जो आता है कौन सा आता है, सोडियम आता है, याद रखिएगा सोडियम आता है। नेसेसरी जो होते हैं वो जिंक होते हैं, गंधक होते हैं यानी सल्फर होते हैं, पोटेशियम होते हैं, ये सब नेसेसरी होते हैं। नेक्स्ट वन, आलू में दीपक से बचाव हेतु दीमक से बचाव हेतु किसका प्रयोग करते हैं, व्हाट डू यू यूज टू प्रिवेंट टर्मिटिस इन दी पोटैटोज, तो किसका प्रयोग किया जाता है, तो नीम की खली का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा नीम की खली, देखते होंगे कभी कभी खेत आलू की बुआई के समय ही जो है हम इसका यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट वन, डी सकरिंग किससे संबंधित है, व्हाट इज डी सकरिंग रिलेटेड टू,
तो डी सकरिंग जो किसे, अभी पीछे क्वेश्चन देखा था, किसे, तंबाकू से। नेक्स्ट वन, मूंगफली के दानों में वसा की प्रतिशत मात्रा होती है, व्हाट इज दी परसेंटेज ऑफ फैट इन पीनट्स। अभी प्रोटीन देखा था, अब यहाँ पे फैट भी देख लेते हैं, वसा की बात की जा रही है तो कितना होती है, 40%। प्रोटीन कितना था, 25, यहाँ पे आपका वसा भी हो गया 40%। नेक्स्ट वन, पौधारोपी धान में साधारणतः प्रयोग होने वाला खरपतवार नाशी है, इज अ कॉमनली यूज वीड इन द फैडी प्लांटेड इन प्लांट्स। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात किया, ब्यूटा क्लोर होता है, याद रखिए ब्यूटा क्लोर होता है, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, पीडीएम 11 प्रजाति है, पीडीएम 11 स्पीसीज। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात किया, किसकी स्पीसीज होती है, तो ये मूंग की है, मूंग बीन की है, याद रखिएगा। नेक्स्ट वन, अर्पणा किस फसल की उन्नतशील प्रजाति है, अर्पणा इज एन इम्प्रूव्ड स्पीसीज ऑफ विच क्रॉप, हाइब्रिड स्पीसीज भी आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर 18 का, मटर की होती है, यानी पी की आपकी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट वन, हरी खाद गेहूँ फसल चक्र की फसल चक्र सघनता है, ग्रीन मैनोर इज द क्रॉप साइकिल ऑफ व्हीट क्रॉप साइकिल डेंसर। तो मैंने यहाँ पे फसल चक्र यानी क्रॉप डेंसिटी निकालने का आपको फार्मूला बताया हुआ है, उसका वीडियो आपको अपलोडेड है, तो उसको आप देख सकते हैं, जो कि एमएससी वालों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनमें, क्योंकि मुख्य रूप से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूजी वालों में कभी कभार एक आध क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन आपका पीजी वालों में क्वेश्चन आता ही है, वो श्योर रहता है। यहाँ पे 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 100% हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट वन, इनोमोमीटर का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है, एन इनोमोमीटर इज यूज फॉर मेजरिंग। तो किसके लिए किया जाता है इनोमोमीटर का यूज, तो इनोमोमीटर का जो उपयोग किया जाता है विंड स्पीड के लिए, जाता है वायु गति के लिए किया जाता है। नेक्स्ट वन, दलहनी फसल की कितनी बीज मात्रा को एक पैकेट राइजोबियम संवर्धन से उपचारित करना चाहिए, हाउ मच सीड क्वांटिटी ऑफ द पल्सेस क्रॉप शुड बी ट्रीटेड विद अ पैकेट ऑफ राइजोबियम कल्चर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 kg, याद रखिएगा 10 kg। नेक्स्ट वन, अरहर में दाना व डंठल का अनुपात है, द रेशियो ऑफ ग्रेन एंड स्टॉल्क इन अरहर। यहाँ पे आपका पीजन पी कर लीजिएगा, पीजन पी, ओके। तो यहाँ पे पीजन पी की बात की जाए, दाना और डंठल की बात की जाए, ग्रेन एंड स्टॉल्क की बात कर रहा है, तो कितना हो जाता है यहाँ पे, यहाँ पे आपका 1/8 का होता है, याद रहेगा। नेक्स्ट वन, यानी एक दाना है और 8 आपके डंठल हो जाएंगे। नेक्स्ट वन, दलहनी फसलों को फसल चक्र में शामिल करना चाहिए, क्योंकि पल्स क्रॉप शुड बी इंक्लूड इन द क्रॉप साइकिल बिकॉज, क्यों शामिल करना चाहिए, इसका रीजन आपसे पूछा जा रहा है, क्योंकि यह जो है मृदा उर्वरता बनाए रखने में सहायता करती है, इट हेल्प्स इन द मेंटेनिंग सॉइल फर्टिलिटी, याद रखिएगा। नेक्स्ट वन, रॉक फॉस्फेट का प्रयोग है, रॉक फॉस्फेट इज यूज्ड, इसका जो है अम्लीय मृदा में, अम्लीय भूमि में यूज किया जाता है, एसिडिक सॉइल के लिए यूज किया जाता है, याद रखिएगा, ओके। नेक्स्ट वन, फव्वारा सिंचाई का प्रयोग किन क्षेत्रों में होता है, फाउंटेन इरिगेशन इज यूज्ड इन विच एरियाज। तो यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात की जाए तो क्या हो जाएगा, ऊंची नीची भूमि वाले जहाँ पे ऊबड़ खाबड़ स्थान होते हैं, तो वहाँ पे उस स्थानों पर किया जाता है, आपका हाईलैंड्स की बात की जा रही है, ठीक है, ना तो आपका समतल ही बहुत रहता है, ना तो बहुत ही ढलान रहती है, तो वहाँ पे ऊंचा नीचा स्थान रहता है, तो वहाँ पर फव्वारे से सिंचाई की जाती है, 25 का यहाँ पे सी ऑप्शन। नेक्स्ट वन, तंबाकू में रचाई बढ़ाने के लिए की जाती है, टू क्रिएट टोबैको इज डन टू इंक्रीज, भाई क्या बढ़ाने के लिए उसकी जो रचाई होती है उसको किया जाता है। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात किया, गुणवत्ता यानी क्वालिटी बढ़ाने के लिए, याद रखिएगा क्वालिटी उसकी बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है। नेक्स्ट वन, आधारी बीज का उत्पादन होता है, द बेसिक सीड इज प्रोड्यूस्ड। तो इसका जो है क्या होता है, यहाँ पे एक चीज है कि इंग्लिश में चेंज नहीं है, इंग्लिश में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका न्यूक्लियस हो जाएगा और इधर आपका ब्रीडर हो जाएगा, एंड इधर क्वालिटी हो जाएगी, और इधर जो है आपका सर्टिफाई हो जाएगा, सर्टिफाइड भी आप कह सकते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस, ब्रीडर, क्वालिटी,
एंड सर्टिफाइड है। तो यहाँ पे इसका किसका उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पे ब्रीडर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आधारी बीज का उत्पादन जो है ब्रीडर के तहत किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट वन, निम्न में से किस में प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ दी हाइस्ट अमाउंट ऑफ प्रोटीन। तो यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात की जाए तो कितना होता है, सोयाबीन में होता है, सर्वाधिक जो है सोयाबीन में पाई जाती है प्रोटीन। नेक्स्ट वन, ऐसा तरीका जिसके द्वारा जल नियंत्रित रूप में लगाया जाता है क्या कहलाता है, व्हाट इज द मेथड बाई विच इज अप्लाइड इन द कंट्रोल्ड मैनर। इनको क्या कहा जाता है, इनको जो है सिंचाई सूचीकरण कहा जाता है, इरिगेशन इनफॉर्मलाइजेशन कहा जाता है, याद रखिएगा। ओके एंड नेक्स्ट वन, सकेरम ऑफी सेनेरम एवं वैज्ञानिक नाम है, इसका वैज्ञानिक नाम है सकेरम ऑफिफेरन एंड दी साइंटिफिक नेम इज। यहाँ पे एंड नहीं, ए रहेगा आपका, ए। तो ये किसका साइंटिफिक नेम है, यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात की जाएगी तो किसका हो जाएगा, यहाँ पे किसके साइंटिफिक नेम की बात की जा रही है भाई। अच्छा एक चीज़ पहले कि यहाँ पे ए भी नहीं है ना, तो ए है, यहाँ पे यल आपका लिखा है, ठीक है, यल आपका यहाँ पे लिखा है, यल यहाँ पे यल आपका रहेगा, यल लिखा रहेगा इसके स्थान पर यल, ठीक है, इसका ध्यान रखना आपको। तो किसका होता है साइंटिफिक नेम की अगर बात की जाए तो किसका होता है, एक गन्ना का होता है, शुगर केन का होता है। नेक्स्ट वन, धान शोध निदेशालय स्थित है, धान शोध जो निदेशालय है वो कहाँ स्थित है, ये चीज़ आपको बताना है। डायरेक्टरेट ऑफ द पैडी रिसर्च इज लोकेटेड एट, कहाँ पर है, तो हैदराबाद में है, याद रखिएगा। धान शोध निदेशालय की बात की जा रही है, रिसर्च सेंटर जो आपका है वो तो आपका कहाँ पे, कटक उड़ीसा में है, जबकि शोध निदेशालय जो है इसका कहाँ पर बनाया गया है, तो इसको हैदराबाद में बनाया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कहाँ बनाया गया, हैदराबाद में, जबकि आपका रिसर्च जो सेंटर हो कहाँ पे है आपका, तो कटक उड़ीसा में, ये देखिएगा, दोनों चीज़ें आपकी डिफरेंट हैं। नेक्स्ट वन, शुष्क खेती हेतु फसलों एवं प्रजातियों में कौन सा गुण होना चाहिए, व्हाट क्वालिटीज शुड क्रॉप एंड द स्पीसीज हैव फॉर ड्राई फार्मिंग। तो कौन सी होनी चाहिए यहाँ पे, तो इनमें से सभी देखिए, कम अवधि एवं शीघ्र वृद्धि एवं शॉर्ट ड्यूरेशन एंड क्विक ग्रोथ, ये भी आपका होना चाहिए। गहरी एवं विभाजित जड़ियों डीप एंड दी इस फील्ड रूट से भी होना चाहिए, शीघ्र क्विकर राइपनर होनी चाहिए, यानी इन सभी से बात की जाए, इनमें से सभी की बात की जाए, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन की बात की जाए, थ्रेसर का प्रयोग किया जाता है, थ्रेसर इज यूज्ड, तो थ्रेसर का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो अनाज की मिलिंग के लिए किया जाता है, याद रखिए अनाज की मिलिंग के लिए किया जाता है। ओके नेक्स्ट वन, जिसको मड़ाई कहते हैं उसी की बात कर रहा था। नेक्स्ट वन, किस राज्य में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन होता है, विच स्टेट हैज़ दी हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ ग्राउंड नट। तो कहाँ पर होता है, गुजरात में होता है, याद रखिएगा गुजरात। नेक्स्ट वन, गेहूँ की कटाई करते समय नमी का प्रतिशत होना चाहिए, द परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग वीट शुड बी। तो कितना होना चाहिए, 15-20% होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मिनिमम जो है इतना होना चाहिए, मैक्सिमम कह सकते हैं, मैक्सिमम जो इतना, इससे ज़्यादा होगा तो दिक्कत करेगा। नेक्स्ट वन, धान की पहली नत्रजन की प्राथमिकता है, फैट इज फर्स्ट डांसर परफॉर्मेंस इज, यहाँ पे आपका नाइट्रेट रहेगा, ठीक है, फर्स्ट आप फर्टिलाइजर भी कह सकते हैं, फर्स्ट फर्टिलाइजर भी कह सकते हैं, नत्रजन उसी को कहा जाता है जिसमें नाइट्रेट आपका आता है, फर्टिलाइजर भी इसको आप बोल सकते हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पे अमोनिकल को कहा जाता है, ठीक है, यहाँ पे जो फर्स्ट फर्टिलाइजर की, यहाँ पे पहली फर्टिलाइजर की प्राथमिकता किसे दी गई, तो अमोनिकल को दी गई, याद रखिएगा अमोनिकल। नेक्स्ट वन आपका, चने की देर से बुआई हेतु संशोधित प्रकार है, व्हाट इज दी रिकमेंडेड टाइप फॉर लेट सोइंग ऑफ ग्राउंड। तो यहाँ पे जो संशोधित प्रकार है, यानी उसकी जो संस्करण बीज है उसकी बात की जा रही है, तो संस्कृत जो वहाँ पे उसकी परिवर्तित बीज है वो कौन सी है, यही आपको बताना है, और कुछ भी यहाँ पर नहीं बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे उदय KPG
59 केपीजी 59 उदय केपीजी 59 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन शून्य भू परिष्करण सामान्यता यहाँ पे आपको डाटा दिया है किस फसल में अधिक सफल है। जीरो भू परिष्करण इज जनरली मोर सक्सेसफुल इन क्रॉप्स। यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात की जाए तो किस में हो जाएगा, गेहूं में, याद रखिएगा गेहूं में होता है। नेक्स्ट वन संकर मक्के की बीज दर है व्हाट इज द सीड रेट ऑफ द संकर मेज, हाइब्रिड मेज कह सकते हैं। हाइब्रिड मेज तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात की जाएगी तो क्या हो जाएगा 20 और 25 होता है, याद रखिएगा 20 एंड 25 होता है, याद रखिएगा आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है याद रखना है आपको। नेक्स्ट वन निम्न में कौन सा ड्यूरम गेहूं की प्रजाति है, निम्न में कौन सा ड्यूरम गेहूं की प्रजाति है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्पीसीज ऑफ ड्यूरम वीट, तो यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात की जाएगी तो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे FDW हो जाएगा 250 हो जाएगा 200 यहाँ पे 15 हो जाएगा याद रखिएगा। नेक्स्ट वन वेवेरिया वेसियाना किसके नियंत्रण हेतु प्रयोग किया जाता है, वेवेरिया वेसियाना इज यूज फॉर कंट्रोल ऑफ, किसके लिए नियंत्रण के लिए किया जाता है, तो यहाँ पे फली वेदक के लिए, फॉर स्प्लिटर के लिए किया जाता है याद रखिएगा फली वेदक के लिए। नेक्स्ट वन किस फसल में नील हरित काई का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में होता है, इन विच क्रॉप इंडिगो ग्रीन काई इज यूज्ड, एल्गे की बात कर सकते हैं, एल्गे इज यूज्ड एज अ बायो फर्टिलाइजर, एल्गे की बात की जाए जिसको काई भी बोला जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका, धान में किया जाता है यानी पैडी में किया जाता है याद रखिएगा। नेक्स्ट वन धान्य फसलों के लिए नत्रजन फॉस्फोरस पोटेशियम का कौन सा सही आदर्श अनुपात है, विच इज द आइडियल रेशियो ऑफ द नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम फॉर सीरियल क्रॉप्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4:1 होता है, 4:1 होता है याद रखिएगा 4:1। एंड नेक्स्ट वन निम्न में कौन सा कथन सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा कथन सही हो जाएगा इस चीज़ को आपको बताना है, तो कौन सा कथन सही होगा फटाफट बताइएगा। यहाँ पे देखिए आपका कहा क्या गया है कि इनमें कौन सा कथन सही, देखिए वातावरणीय सूखा अधिक आर्द्रता के कारण होता है ऐसा कुछ भी नहीं है, प्रवाही सिंचाई में जल प्रयोग अधिक होता है ये भी नहीं है, ऊंची निजी सतह वाली भूमि के लिए बौछारी सिंचाई कम उपयुक्त है एकदम गलत क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा उपयुक्त होती है, अधिक जल धारण क्षमता पर मृदा के सभी छिद्र पानी से भरे रहते हैं, आपका कौन सा सही हो जाएगा डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है, ऑल दी होल इन दी सॉइल आर फिल्ड विद द वाटर एट द मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी यानी डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। एंड नेक्स्ट वन जल की गैसीय अवस्था है इज द गैसियस स्टेट ऑफ वाटर, तो ये तो सभी को पता है कि वाष्प होता है वेफर होता है याद रखिएगा। नेक्स्ट वन 46 सर्वोत्तम हरी खाद की फसल है व्हाट इज द बेस्ट ग्रीन मैन्योर क्रॉप, तो कौन होती है ढांचा होती है याद रखिएगा इसका जो है सेसाबानिया वाइनस्पिनोसा इसका आपका साइंटिफिक नेम है ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन 47 भूरी क्रांति किससे संबंधित है व्हाट इज द ब्राउन रिवॉल्यूशन रिलेटेड टू, तो भूरी जो क्रांति होती है किससे संबंधित उर्वरक से होती है याद रखिएगा उर्वरक से होती है ये इंपॉर्टेंट आपका है। नेक्स्ट वन आपका है इक्रीसेट अर्धशुष्क क्षेत्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल शोध संस्थान कहाँ स्थित है, वेर इज द इक्रीसेट इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड फील्ड्स, ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो इसके राइट आंसर की बात की जाए कहाँ पे हैदराबाद में है याद रखिएगा हैदराबाद। एंड नेक्स्ट वन हंस 350 किस फसल की प्रजाति है, हंस 350 इज अ स्पीसीज ऑफ विच क्रॉप, तो यहाँ पे हंस की अगर बात की जाए तो किसकी क्रॉप होती है कुसुम की होती है याद है ठीक है कुसुम की होती है। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज दी अम्लीय भूमियों का प्रबंधन कर सकते हैं कैन मैनेज एसिडिक लैंड्स, तो यहाँ पे लास्ट जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 50 का,
देखिए भूमियों का प्रबंधन कैसे कर सकते, चूना युक्त पत्थरों को यहाँ पे पदार्थों को मिलाकर एकदम सही है, यानी बाई मिक्सिंग लाइम एकदम सही, क्षारी उर्वरक प्रयोग करके यूजिंग एल्काइन फर्टिलाइजर एकदम सही है, और अवरोधी फसल लगाकर ग्रोविंग अ वैरियर क्रॉप एकदम सही है, यानी आपका डी ऑप्शन ही राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी सभी आप आपके सही हैं। ओके तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन है सभी कंप्लीट हो गए हैं, और इसका जो है नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी ही अपलोड आपका हो जाएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखिए फाइनल एग्जाम में दास सर, और किसी भी क्वेश्चन को अगर डाउट अगर रहे तो उसको जो है आपका रीजनिंग जीएस इसमें कोई भी क्वेश्चन डाउट हो तो अगर इस वीडियो के किसी भी क्वेश्चन में रहा तो उसको कमेंट करके जरूर बताइएगा, और व्हाट्सअप कर दीजिएगा 9170788 और 397। ओके तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।